नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मैं सीतारामपुर से हूँ, छोटे से शहर से। मुझे आईग्लैम में ऑफ़र आया था कि आप इसे इसमें आओ और अपने टैलेंट को दिखाओ। तो देवजानी मित्रा आईग्लैम की ऑनर है जो, वो मुझे ऑफ़र की थी, तो मैं गई थी वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके कि एक लेडीज़ को, मतलब घर की जो हाउसवाइफ है उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि किस तरह से जिनकी शादी हो जाती है, कुछ कर नहीं पाती, वो अपने सपने को दबा देती है अंदर, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उनके लिए कि वो जाके वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाए और कुछ आगे कर सके अपने लिए। मॉडलिंग में पहले से शौक था या अचानक से आपको ऑफर आया? नहीं, मुझे ऐसा शौक नहीं था, लेकिन अचानक से ऑफर आया तो मैं सोची एक बार करना चाहिए। पहले कभी ट्राई की थे? नहीं, पहले कभी नहीं की थी, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ये प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था? पटना में पनास होटल में हुआ था। कब हुआ था? किस तारीख था? 12 बारह तारीख को। 12 फरवरी? हाँ, 12 फरवरी को। वहाँ पे जाके आपको नया कुछ सीखने मिला? बहुत कुछ सीखने मिला। थोड़ा शेयर करेंगे वहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का कि लेडीज लोग कितना, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब कितना कुछ उनके अंदर जो टैलेंट है उनको दिखाया जाता है और सभी लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ पर जाके कि हम लोग अपने लिए जिए, थोड़ा कुछ पल हम लोग को मिला कि हम लोग किस तरह से अपने पल को जिए वहाँ पर, सब कुछ भूल के। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप विनर हुए हैं उस प्रतियोगिता में? हाँ, उसमें नॉमिनेटेड जो होता है तो मुझे बिहार का स्माइल ऑफ फेस का ये अवार्ड मिला है। ये पुरस्कृत होकर के आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी लगा क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मतलब जो ट्रॉफी मुझे मिला, जो सम्मान मिला वहाँ पे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय मेरे हस्बैंड को पूरा जाता है, मेरे मम्मी पापा सास ससुर सभी ने सपोर्ट किया, सबको जाता ही है इनका श्रेय। तो फैमिली के लोगों ने कभी रोका नहीं कि एक महिला को इतना दूर जाएंगी या इस में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं रोका, बाकी सबका सपोर्ट रहा। हाँ, सबका सपोर्ट रहा। आगे ये क्या आपका है, क्या करना है? अगर मुझे आगे का ऑफर मिला, मेरे हस्बैंड का तो पूरा सपोर्ट है, ये आगे मुझे करने के लिए कभी रोकेंगे नहीं और हमेशा, मतलब मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम करोगी और हम साथ देंगे, ऐसा बोलते हैं। बचपन से ऐसा कुछ शौक था आपका या कुछ ऐसा स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हो? नहीं, ऐसा कभी कोई शौक नहीं, ऐसा कभी हम पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं कभी इस टाइप का शौक। मतलब हम लोग है ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उतना दूर का सोचने के लिए हम लोग कभी सोचे हैं, सोचेंगे कि हम लोग मेरी लाइफ में ये अचानक से ऑफर आया, कभी हम सोचे ही नहीं थे कि इतना दूर हम पहुंचेंगे, यहाँ तक हम जा सकेंगे, कभी ऐसा हम सोचे नहीं थे क्योंकि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है और कोई भी नहीं है। अचानक से मुझे ये ऑफ़र मिला तो बहुत ही अच्छा लगा हमको, और मेरे हस्बैंड का इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। अगर ऑफ़र मिला मुझे तो हम जरूर जाएंगे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब हम सफलता के सीढ़ी में चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो टॉप पे फोकस करते हैं कि हमको टॉप पे जाना है, लेकिन उसके लिए आपको पहला स्टेप जो होता है ना, वो होता है आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है, उसके लिए आपको घर की दहलीज लांघना पड़ता है, और लांघने के बाद जो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है, उन सब चीज़ को फेस करने के बाद आपका ये इरादा बनता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। और जब हम ये सो मेरा नाम विकास हुआ, विकास वर्मा, मैं बेसिकली सीतारामपुर से ही बिलोंग करता हूँ। आप प्रिया जी के कौन हुए? मैं इनके हस्बैंड हूँ। तो आपका कैसा सपोर्ट रहा है? मेरा इसका पॉजिटिवली सपोर्ट रहा है और मेंटली भी सपोर्ट रहा है। आगे आप कहाँ देखना चाहते हैं?
देखना तो बहुत दूर तक चाहते हैं इसको कि ये लाइफ में हर उस मुकाम को अचीव करे, हर वो खुशी को अचीव करे, हर वो पल को एंजॉय करे जिसको ये डिजर्व करती है। बस उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए जिस काबिल ये अपने आप को बिल्ड करेगी थ्रू नॉलेज थ्रू माइंडसेट, उस हिसाब से ये आगे बढ़ते चली जाएगी। समाज के अनुसार ऐसा कभी नहीं लगा कि महिला है अब तक रुक जाएंगी? नहीं, देखिए समाज के अनुसार जब हम महिला सशक्तिकरण या महिला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं तो बेहतर होगा कि कहीं पे जाके ये बोलने से अच्छा है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी महिला है टैलेंटेड है और शादी हो गई है उनकी, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रही है जो अपने अंदर दबा के रखी है, तो अगर वो चाहे, उनके अगर फैमिली चाहे तो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकती है और आगे बढ़ सकती है, अपना जो टैलेंट है दिखा सकती है। अगर वो चाहेंगी तो ही मैं कर सकती हूँ, जरूर कर सकती हूँ। ये मॉडलिंग का जो क्षेत्र है समाज का एक तबका जो है इसे बुरा नज़र से देखता है, तो कभी आपको समस्या हुई आपके परिवार से या समाज के लोगों से ऐसा कुछ की नहीं गलत जगह जा रही है? जो हमारी मैम है आई ग्लैम की जो मैम है देवजानी मैम, उन्होंने कहा कि इसमें इस प्लेटफॉर्म में आपको नॉलेज मिलेगा, लड़कियाँ अपनी टैलेंट दिखाएगी ना कि अपना इज्जत को वहाँ पर ये करने वाली है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म था, मुझे अच्छा लगा जान के कि उस टाइम इससे इसमें जाके मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस होगा, तो मैं उसमें आगे बढ़ी, आगे कदम मेरा बढ़ा उसमें। अच्छा, जो फैमिली या परिवार अपनी लड़कियों को अपनी बेटियों या बहुओं को आगे बढ़ने नहीं देता या इस क्षेत्र में जाने देता, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि अगर आपको उन पर भरोसा है विश्वास है तो आप उनको उनका टैलेंट दिखाने देना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम बोर्ड पास है, ज़्यादा पढ़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम चेंज करें। और कहाँ से पढ़ाई की है? पापा क्या करते हैं? पापा मेरे गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ, तो मम्मी क्या करती? हाउस वाइफ। हाँ, हाउस वाइफ। कितने भाई बहन हैं? दो भाई हैं। दो भाई, बहन अकेले। भाई बड़े हैं? नहीं, दोनों मेरे से छोटा है। आपकी शादी यहाँ सीतारामपुर में हुई है, तो बंगाल से आप बिहार में कंपटीशन के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी मिला? जो हमारी मैम है उनसे बहुत ही रिश्ता बना हुआ है। किस मैंने कैसे रिश्ता बनाया? फेसबुक से या कुछ? नहीं, फेसबुक से नहीं, मेरा पर्सनल हम लोग का बिजनेस है। और बिजनेस थ्रू? कौन सी मैम? देवजानी मित्रा। वो इवेंट्स कोऑर्डिनेटर है ऑर्गेनाइजर, तो वो आपको ऑफर की थी? कितनी लड़कियाँ पार्टिसिपेट की थी? 26 टोटल। और मिसेज थी महिलाएं? महिलाएं 36 से लेकर 52 साल की उम्र तक, जो 56 से 52 साल।